हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ELP की इस बोर्ड का कट ऑफ कितना आया था। मैंने इससे जस्ट पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि कौन से बोर्ड में आपको फॉर्म डालना चाहिए, कहाँ से नहीं डालना चाहिए, आपको कौन कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरते समय। और आइए आपको मैं प्रूफ देता हूँ कि कौन से बोर्ड का कट ऑफ कितना गया था और हमारी सोच वहाँ पर किस तरह से मिलती है। तो वही चीज़ आपको हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मतलब कट ऑफ कितना जाता है और आपकी क्या सोच होती है, स्टूडेंट लोगों की क्या सोच होती है उसके बारे में। फिलहाल जानिए, इसमें जानते हैं कि कट ऑफ कैसे तय की जाती है, सभी बोर्ड का कट ऑफ अलग क्यों होता है, किस बोर्ड का कट ऑफ ऊपर जाएगा, किस बोर्ड का कट ऑफ नीचे रहती है, आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे अंतिम में कि आपको बता दें कि मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग, स्मार्ट वीडियो कोचिंग लेकर के आप घर बैठे ELP एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम आपको तैयारी करवाएंगे, हम आपको देंगे मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन, और फिर आप इसको लेकर के आप 4 से 5 महीने के अंदर फुल तैयारी कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट का ITI कंप्लीट है या फिर जो स्टूडेंट ITI कर रहे हैं वो सभी लोगों को अगर आप लोग इस तरह से हमारे यहाँ से तैयारी करेंगे तो आपका बिल्कुल रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल टू दी पॉइंट। और हमारे मास्टर नोट से काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मैं खुद 2 बार ELP में सिलेक्शन ले चुका हूँ, 2014 में और 2018 में RRB मुजफ्फरपुर बोर्ड से। चलिए फिलहाल आते हैं टॉपिक पे और कि यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है कि ELP किस बोर्ड का कट ऑफ कितना जाता है। तो सबसे पहले देखिए कट ऑफ कैसे तय की जाती है। तो अभी देखिए ELP का एग्जाम जो हुआ 2019 में, इसका जो सिलेबस और पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग था पुराने वाले सिस्टम से। पुराना वाला जो सिस्टम था 2014 से पहले, उसमें क्या था कि दो पेपर होती है, एक होती है मेन, एक नॉर्मल पेपर होती थी, उसमें CBT का कोई टेंशन नहीं था। ऑफलाइन पेपर होती थी, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता था, जिसमें कि सभी बोर्ड अपना अपना अलग अलग क्वेश्चन सेट करते थे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती थी। अब क्या हुआ कि उस समय था 70% GK GS और 30% में बाकी सब मैथ रीजनिंग या फिर आपका ट्रेड पेपर, ये सब चीज़ हुआ। और उसमें पहले वाले जो टेस्ट होते उसमें इलेक्ट्रिशियन फिटर सबको मिक्स करके एग्जाम में पूछा जाता था क्वेश्चन। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलता, अगर आपका फिटर तब भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाता। तो वो सिस्टम था पहले वाले, तो पहले वाले में GK ज़्यादा। अभी भी आप जिस भी लोग को पैट जाकर मिलेंगे बोलिए क्या पढ़ेंगे, सब बोला है GK पढ़ लो, लुसेंट पढ़ लो, जबकि लुसेंट में से क्वेश्चन नहीं आता है ELP एग्जाम में स्पेशली, क्योंकि उसमें GK क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। हाँ, लुसेंट का साइंस आ सकता है लेकिन सिलेबस से बाहर है। तो अब देखिए, तो इसलिए आप लोग नया सिलेबस और नया पैटर्न को ध्यान में रखिए। मैं आपको कितना सारा वीडियो मैं बना बना के मैं बता चुका हूँ। तो आइए फिलहाल टॉपिक पे, और कट ऑफ कैसे तय की जाती है। कट ऑफ के लिए देखिए फिलहाल का जो सिस्टम है वो देखिए आपका 3 एग्जाम लेता है, CBT 1, CBT 2 पार्ट ए और पार्ट बी, CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट। अब एक नया CBT बढ़ा, CBT 1 बढ़ गया इसमें, नहीं तो पहले PT और साइको यही होती थी। और इतना तामझाम नहीं होता कि ट्रेड टेस्ट दो, इतना परसेंट लाना होगा इसका, इतना परसेंट इतना, ऐसा कुछ नहीं होता था, बस सिंपल सा पेपर दीजिए आ जाएगा। तो अब का जो सिस्टम है CBT 2 का पार्ट ए का ही रिजल्ट मिलेगा और CBT 3 का ही लेगा साइको टेस्ट में। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके उसको देखिए, उसमें मैंने बताया था कि मेरिट कैसे तैयार की जाती है, तो वही मेरिट। तो अब देखिए मेरिट तैयार करने के लिए स्टूडेंट के बीच में जो चीज़ आया, एक तो नया सिलेबस और नया पैटर्न, तो इसलिए इसका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस था ना बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट हो गई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। इसीलिए SC और ST कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का जो मतलब रिजल्ट बना, जितने ही बोर्ड है सब में 25 नंबर पे, मान ली ओनली 25% पे सबका रिजल्ट बन गया, जिसका ST कैटेगरी था। जिसका SC कैटेगरी था वो 30 से 35 के बीच बन गया, जिसका OBC था 40 से 50 के बीच बन गया, और जिसका जनरल था 40 50 से लेकर के 65 के बीच सबका रिजल्ट बन गया। जबकि देखिए ग्रुप डी में देखिए 80+ जाए तब रिजल्ट बनेगा। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस और पैटर्न इतना मुश्किल कर दिया, और एग्ज़ाम भी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, एग्ज़ाम का कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। CBT 1 एग्जाम फॉर्म भरने के काफ़ी टाइम बाद लिया गया, और CBT 1 का जैसे रिजल्ट आया फिर CBT 2 की घोषणा हो गई, तो इसलिए समय बहुत कम मिल पाया, गैपिंग बहुत कम थी। और CBT 2 के बाद CBT 3 यानी साइको टेस्ट हो गई। साइको टेस्ट तो खैर कोई बात नहीं है, वो 7 से 8 दिन की तैयारी थी, और साइको टेस्ट में भी इस बार पैटर्न को बहुत ज़्यादा बदल के पूछा, जिसकी स्टूडेंट की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए स्टूडेंट लोग उसमें फंस गया और इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब जो नया एग्जाम होगा उसका तो स्टूडेंट पहले से तैयार कर लेगा कि क्या सब सिलेबस है, पैटर्न है, क्वेश्चन कहाँ सारे नहीं आ रही,
जितने भी टीचर थे पटना में वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते रह गए, उसमें से दो दो क्वेश्चन आए, एक आया पेपर का साइज पूछ लिया, एक कुछ और पूछ लिया, शेडो वगैरह पूछ लिया, तो उसमें से बस दो ही क्वेश्चन आए, जबकि स्टूडेंट ने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो सिलेबस चेंज हो गया, बहुत कुछ हो गया। इसी फैक्टर को चले फिलहाल ये तो फैक्टर आया कि कम पे रिजल्ट कैसे बन गया। अब दूसरी जो चीज़ वो थी कि स्टूडेंट के लोगों की सोच, जो कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि लोकल इफेक्ट और स्टूडेंट लोग क्या सोचता है, लोकल इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे साउथ में जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे सबकी पहली पसंद क्या होगी, साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडिया में आपका रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बन के देखिए, वहाँ पे लोकल इफेक्ट नहीं है, लोकल इफेक्ट मतलब कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट उतना संख्या में नहीं है जो कि तैयारी करके फाइट दे सके और रिजल्ट को ला सके, संख्या में है लेकिन उतना नहीं है कि टक्कर दे सके बिहार वालों को, यूपी वालों को, झारखंड वालों को, राजस्थान वालों को, जो यहाँ से मेजर संख्या में स्टूडेंट लोग तैयारी करके जाते हैं। तो सबकी पहली पसंद क्या होती है, साउथ में जाएंगे आराम से रिजल्ट मिल जाएगी। इसी चक्कर में क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट थे मैक्सिमम स्टूडेंट की सोच बस मिल गई और सभी लोग साउथ में चले गए। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया और साउथ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया, और इसका जिसका होना भी होता था उसका भी नहीं हुआ। जबकि देखिए यहाँ पे आप कहते हैं पटना बोर्ड और मुजफ्फरपुर बोर्ड 40 पे रिजल्ट दे रहा, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर बोर्ड के ही यानी बिहार के ही स्टूडेंट साउथ में जा करके अपना रिजल्ट को बढ़वा लिए, जबकि उसको कितना ज़्यादा अफसोस हुआ होगा कि 59 होगा, 55 होगा, 40 होगा, मतलब कि 51 होगा, 53 होगा, जबकि अगर वो पटना और मुजफ्फरपुर बैठ जाता तो उसका 40 पे ही रिजल्ट हो जाता। जनरल कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे जितने भी डेटा है सब जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी का 10 नंबर और घटा लीजिए, एससी का उससे भी 10 नंबर घटा लीजिए और एसटी का 25 नंबर फिक्स कर लिए, 25 नंबर आया एसटी में तो आपका रिजल्ट हो गया। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी का ही इसलिए मैंने डाला था कि आपको ध्यान में हमेशा यही रहे कि हमेशा जो रिजल्ट हमको चाहिए ना वो जनरल कैटेगरी से ही हमको रिजल्ट चाहिए, हमको ओबीसी एससी और एसटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो बाद की चीज़ है। अगर आपका जनरल से नहीं हो पाता है तो आपका अगर एक दो नंबर कम है और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका हो जाएगा, तो ये एक अलग बात है, वो आपका सिक्योर पॉइंट है। लेकिन आपको ध्यान रखनी है क्या कि हमें जनरल का जो कट ऑफ है उसी को हमको तोड़ना है, उसी से हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते चलो ओबीसी में 10 नंबर हमको छूट मिलेगा हो जाएगा, एससी में है एसटी में कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग तैयारी करें तो सभी को जनरल कैटेगरी, जनरल का जो कट ऑफ है ना उससे पार जाइए, तब आपका मजा है इसमें। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि अगर आप लोग मतलब रिजल्ट ले भी आते तब भी उसकी ज्वाइनिंग नहीं मिलती, कैसे, जो स्टूडेंट कट ऑफ पे रहता है उसी का, जो जिसका 58 होगा वो अभी तक बैठा होगा उसका वेटिंग में रिजल्ट होगा, जिसका 60 होगा वो भी अभी बैठा होगा उसका वेटिंग में रिजल्ट होगा, जिसका 75 होगा, 72 होगा, 70 होगा, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर जिसका नंबर जो टॉप किया होगा उसी का पहले ज्वाइनिंग होती है, उसी का सब कुछ पहले होता है, नहीं तो फिर आप बस 2 साल 3 साल बैठे रह जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है जो कि वेटिंग में ही रह जाता है, उसका वेटिंग क्लियर नहीं होता कभी भी। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कट ऑफ है तो कट ऑफ से ऊपर लाए हमारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर आपको नंबर लाना होता है। स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 1 CR यानी 1 करोड़, अब तो 1.5 करोड़ हो जाएगी। अब देखिए तो ये रहा आपका लोकल इफेक्ट, देखिए कहाँ कहाँ पड़ा, पटना में, मुजफ्फरपुर में, रांची थोड़ा सा चौंकाने वाला रहा 60 नंबर यहाँ पे, उसका देखिए भुवनेश्वर ये भी चौंकाने वाला यहाँ पे 40 नंबर रह गया, और कोलकाता 58, मालदा 52, सिल्लीगुड़ी 40 और गुवाहाटी 47। तो अब देखिए यहाँ पे पटना, मुजफ्फरपुर और सिल्लीगुड़ी ये तीन बोर्ड में जो रिजल्ट था वो बना किस पे, 40 पे। तो सिल्लीगुड़ी का तो खैर सीट कम था इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या और भी ज़्यादा घट गई। अब देखिए क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा सीट है स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं अट्रैक्ट होकर फॉर्म भरेंगे, जहाँ पे कम से कम सीट है वहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरेंगे, जहाँ मिडिल सीट है वहाँ पे थोड़े चांस ले सकते हैं। इसीलिए सिलीगुड़ी में सीट बहुत कम थी इसलिए स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम वहाँ पे स्टूडेंट गए, जब कम गए तो कम पे रिजल्ट हो गया। पटना और मुजफ्फरपुर में स्टूडेंट डर के मारे फॉर्म नहीं भरे, क्या होता है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट बाहर कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, लोकल इफेक्ट मतलब क्या कि लोकल बंदे पहली बार सोचते हैं कि चलो साउथ बोर्ड इजी है, मुंबई बोर्ड इजी है, तो वहाँ पे जाके फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे एक तो वहाँ के कंपटीशन बढ़ा दिए, उसका सोच क्या रहती है कि हम लोकल में फॉर्म नहीं भरेंगे, पटना मुजफ्फरपुर फर्स्ट टाइम में हम फॉर्म नहीं भरे। अगर मान लिया अगर हम एक बिहारी हैं हम जो अगर फॉर्म भरेंगे तो सोचेंगे यार फर्स्ट टाइम है पटना मुजफ्फरपुर, सोच के ही डर लगेगा यार, अच्छे स्टूडेंट जो होंगे जो टॉपर स्टूडेंट होंगे वो पटना मुजफ्फरपुर फॉर्म भरेंगे और हम अगर चेन्नई चल गए तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। सभी लोगों की यही सोच है, जितने भी लोग हमारे आसपास में हमारे एरिया में सबकी यही सोच है और होनी भी चाहिए, यही सोच हर एक इंसान में के अंदर में यही आएगी। और कोई भी ये नहीं सोच, सबसे पहले क्या सोचेगा, हमको घर के नज़दीक नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए चाहे जहाँ मिल जाए। अब देखिए जो स्टूडेंट चेन्नई में नौकरी कर रहा होगा पहले से, अब उसके बाद जब वो दोबारा फॉर्म भरे तो कहाँ फॉर्म भरेगा, वो पटना, मुजफ्फरपुर, रांची यहीं पर फॉर्म भरेगा, लोकल में फॉर्म भरेगा।
और आपको पता ही है कि कहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बिहार के, झारखंड के, इसके बाद देखिए यूपी, उसके बाद फिर देखिए आप जाइए राजस्थान, उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़। ये 6 स्टेट ऐसे जो कि इंडिया में टॉप करते हैं, मतलब कि तैयारी में यहाँ की स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद स्थान आता है कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, जबकि यहाँ का लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज मतलब कि वहाँ पे हिंदी उतनी अच्छी जानते नहीं है लोग, और हिंदी में से ही क्वेश्चन, मतलब कि मैक्सिमम जो किताबें छपती वो हिंदी मीडियम में ही छपती है, इसलिए उन लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाती सही से। इसके बाद देखिए अभी टेक्नोलॉजी आने पे साउथ के भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इसके अलावा देखिए पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट भी, जबकि देखिए पंजाब हरियाणा के लोगों की सोच होती है, युवाओं की सोच होती है कि हम फौज में जाएँ। उसके बाद फिर देखिए गुजराती, मराठी, ये सब लोगों में भी अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ा है, और ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से मराठी लोग या फिर गुजरात गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मतलब कि हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा जितना मास्टर नोट्स बिक रहा है, लगभग 40% मास्टर नोट जो है, 35-40% वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट खरीद रहे हैं। आप ज़रा सोच सकते हैं, जबकि इसकी संख्या कितनी ज़्यादा है, महाराष्ट्र मराठी की संख्या, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मराठी की संख्या से कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या हो क्या बिहार का, यूपी का, यहाँ के, जबकि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, डिजिटलाइज ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा मतलब कि एक्चुअली उन लोगों के आसपास का कोई माहौल नहीं, ऑनलाइन में जो मिल रहा है वो उठा रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा बिक रही नोट्स हमारी। अब देखिए तो ये सब चीज़, ये सब जो मैं आप लोगों के साथ फैक्ट, मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, आपके अंदर में भी वो सोच डेवलप हो जाएगी, आप किस तरह से फॉर्म भरेंगे और कहाँ के स्टूडेंट क्या सोचते हैं। तो अब देखिए भोपाल में 67 गया, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा सीट देगा वहाँ पे कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब अट्रैक्ट हो जाएगी कि ज़्यादा सीट है मेरा हो जाएगा इस वजह से, और यही नतीजा, इसी वजह से वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रही है। देखिए बेंगलोर, चेन्नई, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, उसके बाद फिर देखिए चंडीगढ़, अजमेर, देखिए 68 सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए लोकल इफेक्ट भी पड़ा है और बाहरी इफेक्ट भी पड़ा है। लोकल इफेक्ट क्या, कि राजस्थान के लोग का एकमात्र वही बोर्ड है अजमेर बोर्ड, और जबकि राजस्थानी लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। एक तो अजमेर उनके लिए लोकल हो गया, तो लोकल इफेक्ट तो पड़ा ही, और वहाँ के लोग बिहारी ऐसा नहीं सोचते कि हम चलो हम बिहार में जाके नौकरी करते हैं, तो वहाँ के लोकल लोग भी लोकल में पार्टिसिपेट किए, और हमारे हिंदी भाषी जितने क्षेत्र हैं यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब चीज़, मैं स्टेट का नाम ले रहा हूँ, इससे आपको अफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो इस वजह से अजमेर का जो कटअप था ऊपर चल गया, एक तो वहाँ का लोकल इफेक्ट राजस्थान, उसका फिर देखिए बिहार यूपी वाले वहाँ पे भर गए, इसके अलावा वहाँ पे सीट भी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा पहुँची और कटअप बहुत ऊपर चल गया। उसका फिर देखिए अहमदाबाद, मुंबई बोर्ड का तो ऊपर है, ये बहुत पॉपुलर बोर्ड है। उसका फिर देखिए पटना, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे डर के मारे लोग फॉर्म नहीं भरा ले। सिलीगुड़ी 40 क्यों, वहाँ पे सीट कम थी। मालदा 52, कोलकाता 58, उसका भुवनेश्वर 40, यहाँ पे भी सीट बहुत कम थी। रांची देखिए 60 हो गया, यहाँ पे भी लोकल इफेक्ट पड़ा प्लस बाहरी इफेक्ट भी पड़ा। तो ये सब रहा आपको कारण, और आप लोगों को यही सब चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए आपको कट ऑफ कैसे तय की जाती है, अब देखिए कट ऑफ कैसे तय की जाती है, मान लीजिए कि किसी बोर्ड में, मान लीजिए पटना बोर्ड में 1000 सीट है, अब जो टॉप के 1000 बंदे होंगे उसी का रिजल्ट होगा। अब देखिए अब उसको टॉप अगर 60+ पे मिल जाए तो कट ऑफ 60 तय हो गया, टॉप 1000, यानी कि 1000 स्टूडेंट का जो कट ऑफ है ना वो टॉप 60 में आ जाए, या फिर 70+ में आ जाए तो 70 उसका कट ऑफ हो जाएगा। अगर 52+ पे 1000 स्टूडेंट अगर उसको मिल रहा है तो 52 उसका कट ऑफ हो गया। यही कट ऑफ का परिभाषा है, कि अगर मान लीजिए आपको भी अगर 10 किसी का, मान लीजिए आप भी कोई नौकरी निकालें, आपको भी अगर 10 किसी का सिलेक्शन करना हो तो किसका, जो टॉप करेगा 10 में, जो 70+ में अगर 10 होगा तो 70 कट ऑफ हो गया, 50+ में अगर 10 होगा तो 50 कट ऑफ हो गया, ये रहा कारण। और OBC का इससे 10 कम, और ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अब देखिए अभी इसमें जो है अगली वैकेंसी में इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें सीट की संख्या डिफरेंट होगी। हो सकता है चेन्नई बोर्ड में सीट कम निकले, हो सकता है अजमेर बोर्ड में सीट कम निकले, हो सकता है कि किसी बोर्ड में जहाँ पे देखिए सिलीगुड़ी में सीट कम था इस बार, तो अब सीट बहुत ज़्यादा निकल जाए तो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर फॉर्म डालेंगे, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। लोकल इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा हमेशा के लिए, और पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो सीट होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब कि सेम सीट होती है। तो ये रहा आपका कारण। अब देखिए ये रहा आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक मिडिल सीट, यानी कि जहाँ पे मिडिल सीट होगी वहाँ पे आप फॉर्म डालिए,
अगर आपकी तैयारी बेहतर है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आप वहाँ फॉर्म भरिए जो आपका फेवरेट शहर हो, जहाँ पे आप नौकरी करना चाहते हैं। अगर आप पटना से हैं तो आप पटना फॉर्म भरिए, अगर आप मुंबई से हैं तो आप मुंबई फॉर्म भरिए और उस लेवल की तैयारी कर लीजिए। अगर आपको फिर तैयारी में डाउट होगी तो आप कहीं और जा सकते हैं लोकल इफेक्ट के चक्कर में, नहीं तो फिर मैं तो बस वही बोलूँ चैलेंज लीजिए, अपना एरिया में फॉर्म भरिए, वहाँ का नौकरी करने का मज़ा ही कुछ और है। अब देख किसका कट ऑफ नीचे रहती है, किसका कट ऑफ नीचे रहता है, तो यहाँ पे लोकल इफेक्ट पड़ता है और जहाँ पे स्टूडेंट कम अट्रैक्ट होते हैं उसका जो कट ऑफ है बहुत नीचे रहता है, जैसे कि पटना मुजफ्फरपुर ये सब बोर्ड में। देखिए सभी बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सभी का सीट जो है ना अलग अलग होती है, इसलिए सबका कट ऑफ अलग अलग होती है। किस बोर्ड का कट ऑफ ऊपर जाता है, जहाँ पे सीट की संख्या ज़्यादा होती है और लोकल इफेक्ट कम पड़ता है, स्टूडेंट की संख्या भी अट्रैक्ट होकर ज़्यादा पहुँचती है, जैसे कि साउथ के जो बोर्ड हो गए, मुंबई बोर्ड हो गया, ये सब जगह पे। अब देखिए चूंकि अब क्वेश्चन आसान और भारी कहीं पे नहीं है, सब जगह पे क्वेश्चन सेम ही है, सभी जगह पे क्वेश्चन सेम है, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, और बहुत सारे लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन में ना मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि रह जाता है वहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन की एक खामी ये है कि किसी का 20 नंबर बढ़ गया, किसी का 20 नंबर घट गया, किसी ऐसे स्टूडेंट है जिसका कि ना 1 नंबर बढ़ा ना 1 नंबर घटा। अब देखिए ऐसे में अफसोस होता है, जैसे किसी का 65 है रॉ मार्क और नॉर्मलाइज करके उसका 65 ही रह गया और उसका रिजल्ट वहाँ का कट ऑफ 66 चल गया है, तो यहाँ पे उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग नॉर्मलाइज के चक्कर मत रहिए, जितना हो सके उतना आप लोग तैयारी कर लीजिए। अभी स्टूडेंट क्या सोच रहा है, चलो वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ लेंगे, और जब वैकेंसी आएगा उस समय पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बन भी जाएगा तो आप 1 या 2 नंबर से रह जाएगा, तो फिर आप सोचिए कि मैंने आपको बोला था आपको तैयारी करनी जबकि आपको तैयारी नहीं किए थे, क्योंकि आप सोच रहे वैकेंसी नहीं तो क्या करें, बैठ के पढ़ मतलब बैठते हैं गुलछर्रे उड़ाते हैं, मतलब कि मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं, तैयारी से कोई मतलब नहीं है। वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम डेट नहीं है तो फिर हम लोग सुस्त हो जाएंगे, फिर एग्जाम डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए। आप तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके सामने स्टूडेंट की जो संख्या है ना 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, बहुत सारे देश की जनसंख्या उतनी नहीं है, 1.5 करोड़, तो उतने संख्या में लोग यहाँ पे ALP का फॉर्म डालने वाले हैं, और आप लोग अपने सोच लीजिए आपका स्थान कहाँ पे होगा। इसलिए आपकी अलग एक डिफरेंट सोच होगी जो आपको रिजल्ट दिलाएगी, आपकी एक अलग मतलब अपने आप में एक किसी ऐसे टॉपिक पे आपको पकड़ होगी जहाँ से आपका मतलब रिजल्ट बनेगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया, अगर कोई आपको बात छूट गई तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, या कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग अपने घर पे मंगवाइए और वहाँ से तैयारी कर लीजिए। अभी हम 2500 रुपीज़ का फुल कोर्स दे रहे हैं जिसमें नोट्स आएगी सभी सब्जेक्ट का, CBT 1, CBT 2, CBT 3 यानी साइको टेस्ट तक का, और सबका आपको वीडियो कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी करवाते हैं, और आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि आप लाइव हॉस्टल पढ़ाते हैं, तो अभी हम हॉस्टल स्टार्ट नहीं किए हैं और हॉस्टल स्टार्ट करने की कोई प्लानिंग भी नहीं है, इसलिए आप लोग घर बैठे तैयारी कीजिए, और हम लाइव नहीं पढ़ाते हैं, हम बस आपको नोट्स दिए, नोट्स में से ही 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में टच होती है, और उसी नोट्स का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, और उस वीडियो सॉल्यूशन को आप जब चाहे तब उसको पढ़ सकते हैं, उसका एप्लीकेशन है स्मार्ट वीडियो कोचिंग प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और फिर उसमें आपको कोर्स में आपके नंबर को हम ऐड कर देंगे, फिर आप वहाँ से देख पाएंगे, जब आप नोट्स लीजिए तभी आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग मिल पाएगी। तो यही बात, इस बात मतलब इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8406-89-1116। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच।